अभिनंदन करें। सबसे आगे केवल पदयात्री ही रहेंगे, शेष लोगों से विनम्र निवेदन है कि उस स्थान को रिक्त रखें और इस पदयात्रा के संयोजक ब्रह्मचारी तात्या जी से निवेदन है कि वो मंचासीन हो। सभी लोग पदयात्रियों से निवेदन की वो पंक्तिबद्ध होकर के बैठे। हाँ, 200 पदयात्री इस पदयात्रा में है। 291 अपूर्व उत्साह और उमंग के साथ ये पदयात्री पूज्य गुरुवर का पदार्पण महाराष्ट्र प्रांत में हो, इस पावन उद्देश्य को दक्षिण भारत में महाराष्ट्र के दक्षिण का प्रवेश द्वार जो महाराष्ट्र है उसके प्रवेश द्वार के माध्यम से दक्षिण भारत में पूज्य गुरुवर का पद विहार हो, उनका सानिध्य दक्षिण भारत को मिले। इस उद्देश्य को लेकर के जहां जिस दक्षिण भारत में उस महान भूमूति ने जन्म लिया वो अभी तक उस वो पूरी भूमि उस महान विभूति के चरण रज से वंचित है और वो मुराद जो उस पूरे दक्षिण भारत की है वो पूरे एक कामना एक आशा पूरी हो। मैं त्रिचित्र कमेटी की ओर से सभी पदयात्रियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और त्रिचित्र कमेटी इस यात्रा के संयोजक ब्रह्मचारी तात्या जी का माल्यार्पण शाफा और जो हमारे तिलक वंदन आदि के द्वारा उनका सम्मान करें। और मैं समझता हूं कि ये तात्या जी का अकेले सम्मान नहीं है, जो पूरे पदयात्री लगभग 200 पदयात्री और उनके साथ जो व्यवस्थापक इस पदयात्रा में चल रहे हैं उन सभी का यह सम्मान है। जोरदार करतल ध्वनि